जैसा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सबसे पहले तो आप मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम कि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय के ऊपर बात जो रखनी थी हमने उसके लिए आए हैं आप, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। दूसरी बात, अभी हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर एक 5-6 दिन पहले एक ऑर्डर निकला था कि भाई जितने भी स्टेट लैंड, फॉरेस्ट लैंड, रोशनी एक्ट की लैंड, जितने भी किसी के पास कनाल 10 मरले 5 मरले हैं तो उसको वैकेट करने का एक ऑर्डर निकला था। उस ऑर्डर के ऊपर ब्रीफ करते हुए यहाँ के चीफ सेक्रेटरी हमारे जो हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। उस स्टेटमेंट में रात से देख रहा था कि उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा जी गरीब लोगों को नहीं छेड़ा जाएगा और जो बिग चंक ऑफ लैंड्स हैं उनको हम कवर करेंगे और जो जिन लोगों के पास 500 कनाल 100 कनाल 200 कनाल ज़मीनें हैं वो रिकवर करेंगे। तो इस स्टेप का तो हम भी वेलकम करते थे, लेकिन इसके साथ साथ में आज ये तहसील मेंडर का जो नोटिफिकेशन है ये निकला है, इसके साथ में ये हवेली का है, इस तरीके से और हैं दो चार ये निकल के आए हैं, फिर खरेतर एक एरिया है वहाँ का है, नायब तहसीलदार साहब निकाल रहे हैं, ये है हमारे बीजी बालाकोट का। तो मैं आपकी विश्वास से ये पूछना चाहता हूँ यहाँ की सरकार से कि क्या वो जो आप कह रहे थे बिग चंक ऑफ लैंड्स और बड़े बड़े लैंड माफियाज जिन्होंने ज़मीनों का कब्जा किया हम उनको निकालेंगे, तो क्या वो ये इन एरियाज के अंदर रहते हैं? ऐसे बुद्धल के निकल के आए हैं, रजौरी के निकल के आए हैं, रैसी के निकल के आए हैं लेटर, तो ये नोटिफिकेशंस जो निकल के आई हैं एरिया वाइज निकलना शुरू हो गई हैं और ये पूरे जम्मू कश्मीर में अब निकलेंगी, जैसे कि इनकी ये दिख रहा है हमें कि डेली 2-4 एरिया के नोटिस निकल के आ रहे हैं, तो इसके हिसाब से ये पूरे जम्मू कश्मीर के निकलने हैं। हम आपकी विसात से यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ की गवर्नमेंट को ये बताना चाहते हैं कि ये जो अगर आप कह रहे हैं कि बिग चंक ऑफ लैंड जो है लोगों ने कवर करके रखे हुए हैं स्टेट लैंड के, तो क्या ये बिग फिशेज जो है वो आपको इन पहाड़ी हिली एरियाज के अंदर मिल रही हैं? क्योंकि मैं पर्सनली इन एरियाज़ को जानता हूँ, उस एरिया का रहने वाला हूँ, लोगों को जानता हूँ, तो मैंने वहाँ पर देखा है कि भाई किसी के पास मालकाना ज़मीन हो, फॉरेस्ट की हो, स्टेट की हो, 4-8 हो या कोई भी दफ़ा हो, किसी की भी ज़मीन अगर हम एक मला के चलें तो 2 कनाल से ऊपर किसी के पास ज़मीन नहीं है, और उन 2-2 कनाल ज़मीन वालों को अगर आप ये कह रहे हैं कि ये लैंड माफियाज हैं, ये फलाने हैं, ढमकाने हैं, तो मैं आपके साथ से यहाँ से सरकार से कहना चाहूँगा कि सबसे बड़े माफिया तो आप हैं, सबसे बड़ी माफिया तो बीजेपी है, सबसे बड़ी माफिया तो सिटी के अंदर, शहर के अंदर हजारों करोड़ रुपए की जमीन को लेके बैठे हुए हैं, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई ना करके आप जो ये रूरल के अंदर जा रहे हैं और गरीब लोगों को परेशान कर रहे हैं, इस परेशानी को खत्म किया जाए। मैं आपके साथ से आज की यही बात रखना चाहता हूँ और साथ में ये कहना चाहता हूँ अपनी पब्लिक से भी कि डरने की कोई बात नहीं है, आज वक्त आ गया निकलने का, आज तक नहीं निकले थे आप लोग, आप निकलिए प्लीज और अपनी जमीनों को बचाइए।